देख बेटा, तुम्हारी बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। भूल जाना, बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं हूँ, कर लूंगा। ओहो, शादी वाला घर है, मेहंदी की रस्म है। अरे भाई साहब, ये क्या करें, जल्दी से हाथ चलाइए, मेहमान बस आते ही होंगे। अब आंटी जी, अब बिना वजह इतनी टेंशन ले रही है। शादी वाला घर है और मेरी बेटी की शादी है, टेंशन तो होगी ही ना। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। तू जल्दी से जा, उसे तेरी जरूरत हो। अरे भाई साहब, वो उधर नहीं, इधर रखवाई। हाँ एरा, कहाँ खोई है? हाँ चल, बहुत सारे काम बाकी है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि देर नहीं हुई है, चलो चलते यहाँ से। अरे हमारे बेटे को ईरा से भी बेहतर लड़की मिलेगी। अरे क्या फिर से वही बात पकड़ कर बैठ गई? अरे तुम्हें पता नहीं है तो जान लो और समझ लो कि हमारा बेटा ईरा से बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। हाँ हाँ कार्तिक, अभी आती हूँ मैं। अमृता, क्या हुआ? तुम्हारे भाई का कॉल है, कुछ काम है, अभी आती हूँ। और सुन, मेहंदी है तेरी, तेरे फेस पे ना थोड़ी स्माइल रख। अच्छा वो सारे बॉक्सेस रख देना और लाइट का भी सेटअप पूरा देख लेना कि फ्लावर्स। क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही हो आज, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूल्हे का दिल ही तुम पर आ जाए? वेरी फनी ललित। रिसोर्ट क्या बंद हुआ? इसके देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। और मालिक को इतनी अकल तो होनी चाहिए ना, हैं? इतनी बड़ी जगह एक अकेला आदमी कैसे साफ सफाई कर सकता है? ये स्विमिंग पूल मेरे जी का जंजाल हो गया है। कितनी भी साफ सफाई करो, हर दो दिन बाद गंदा हो जाता, हर दो दिन बाद। देखो बबलू, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सीआईडी कभी किसी निर्दोष को कुछ नहीं करती, समझे? लगता लाश काफी देर से पानी में थी। हाँ भैया, लगता है 12 घंटे से ऊपर ही हो गए, कहीं भी कोई चोट का निशान है नहीं बॉस, सिवाय इस गर्दन पे, यहाँ पर ये कुछ अजीब से धब्बे हैं। गला घोट के मारा, प्राइमा फेसी तो ऐसा ही लगता है। ये रिसोर्ट की चाबी तुम्हारे पास रहती है? नहीं सर, मालिक के पास भी है ना। तुम जरा गेट देखा। पंकज देखो, जरा अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। पलटाओ पलटाओ। सर ये तो टैक्सी की पर्ची है सर, इसने कल रात डोमेस्टिक एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ी थी। पंकज इस लाश की फोटो निकालकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी को दिखाओ और इसकी पहचान करवाओ।
ताला तो टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब कोई चाबी से खोल के अंदर आया या फिर किसी और तरीके से। हो सकता है सर इसी रिसोर्ट के किसी कोने में इस जुर्म को अंजाम दिया, या तो फिर दया उसे यहीं मारकर यहीं पे फेंक दिया, या फिर कहीं और मारकर उसकी लाश को यहाँ डाल दिया। पूर्वी, इतना बड़ा गेट है, गेट से कूद के लाश को अंदर लेके आना मुश्किल लगता है, किसी और रास्ते से ही लाश लेके अंदर आया वो। मगर सर अंदर आने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सर इसके सिवाय। अरे यार हमें अपना काम करने दो ना भाई, इधर देखते। ये देखो पूर्वी, यहाँ पे दीवार टूटी हुई है, जरूर यहीं से आया होगा वो खूनी। तो सर यहाँ पे कोई सुराग मिल सकता है? ये रहा सुराग, ये सुनहरा धागा। अजीब से धब्बे हैं इसके गर्दन पर। ओ, क्या बात है सर? अब ये सुनो जरा, मेहंदी तारिका, इसकी गर्दन पर मेहंदी के धब्बे हैं। तारिका इसकी मौत हुई है गला घोटने की वजह से। गर्दन पर है मेहंदी के निशान, इसका मतलब जिस किसी ने भी इसका गला घोटा होगा उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी। और खून करने वाली शायद कोई लड़की थी, और उसने उस वक्त खून किया जब उसके हाथों की मेहंदी ठीक से सूखी भी नहीं थी। राइट। आजकल वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, जरूर कोई फेस्टिवल या फंक्शन शादी वगैरह में गई होगी। राइट। इसीलिए अभिजीत को वो सुनहरा धागा मिला था, अभी शायद किसी महंगी ड्रेस का होगा जो पार्टी में पहनी जाती है। तो इसका मतलब ये सुनहरा धागा और गर्दन पर लगी हुई ये मेहंदी हमें खूनी तक पहुंचा सकते हैं। सर ये प्रीति है, शहर की जानी मानी मेहंदी एक्सपर्ट। देखो प्रीति, हम ये चाहते हैं कि तुम इस लाश को देखो, तो इसके गले पे ये जो मेहंदी लगी हुई है ना, मेहंदी के निशान भी है, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी दे। डोंट वरी, आप डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। मैडम एक खूनी बाहर आजाद घूम रहा है, आप प्लीज थोड़ी हिम्मत कीजिए प्लीज। आई, हमें लगता है किसी ने मेहंदी वाले हाथों से इसका गला दबाया है, जरा देखिए आप। और थोड़ी सी मेहंदी इनके बालों पे भी लग गई है, सर के पीछे। मेहंदी का टेक्सचर खराब हो चुका है, पर इतना पता चल रहा है कि ये मेहंदी हाथों से लगाई गई है। हाथों से? जी सर, अक्सर लोग अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए स्टेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिजाइन स्टेंसिल से नहीं, हाथों से बनाया गया। जी सर। अच्छा आप प्लीज एक मिनट यहाँ आ सकती हैं? आप इस मेहंदी के बारे में और कुछ बता सकती हैं, मतलब ये किस कंपनी की है, कितनी पुरानी है, कहाँ से आई है, कुछ भी, एनीथिंग। सर मेहंदी के कलर, टेक्सचर और स्मेल से पता चलता है कि ये मेहंदी किसी कमर्शियल कंपनी की तो नहीं है, ये जरूर किसी ने घर पर ही बनाई है। तो मतलब लोग अक्सर घर में बनाई हुई मेहंदी को ही इस्तेमाल करते हैं? जी सर, क्योंकि वो केमिकल फ्री होती है। ये बात, ऐसे तो शहर में बहुत सारे लोग होंगे जो घर में मेहंदी बनाते हैं, मेहंदी के जरिए उन्हें ट्रेस करना तो काफी टाइम लग जाएगा। सर सर सर, विक्टिम का पता चल गया। कौन है ये? सर इसका नाम दीपेन है, दिल्ली में रहता था,
और मैंने लोकल पुलिस को फोन करके बोल दिया कि फैमिली को खबर दे दे। गुड। प्रीति जी जरा देखिए और कुछ पता चलता है क्या इसके बारे में। एक मिनट सर। सर मेहंदी की डिजाइन से एक बात और पता लग रही है। वो क्या? सर उस लड़की के बारे में जिसकी मेहंदी इनकी गर्दन पे लगी है। उस लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से हो रही थी जिसका नाम आर से शुरू होता है। आर? आर नाम की लड़की? वो कैसे पता चला? अक्सर नई दुल्हन जब मेहंदी लगवाती है तो अपने पति का इनिशियल लेटर लिखवाती है, तो सर ये वही इनिशियल लेटर है। बस उल्टा आर बना हुआ है। आर फिर हमें पता लगाना पड़ेगा इस हफ्ते में शहर में ऐसी कितनी शादियां हुई है या होने वाली है जिसमें दूल्हे का नाम आर से शुरू होता है। कमाल है सर, इस हफ्ते पूरे 120 लोगों की शादी है, एक टाइम पे इतनी सारी शादियां। हाँ पंकज, आजकल शादियों का अच्छा मुहूर्त निकला हुआ है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो मौका सही है। अरे कहाँ करूँ शादी सर। क्या हुआ, आर अक्षर वाले नाम के कितने दूल्हे मिले? हाँ सर, कुल मिलाकर 12 शादियां हैं जिनमें दूल्हों का नाम आर से शुरू होता है। अच्छा। हेलो। हाँ 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 सर, इसकी गाड़ी तो एक ही शब्द पे अटकी हुई है। हाँ 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 ओके थैंक यू। हाँ सर। हाँ ऑफिसर, वो दिल्ली से ऑफिसर का फोन था, उसने बताया कि वो दीपेन के घर पे गया था लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं, और पड़ोसी से पूछ के बताया कि उसकी एक बहन भी है शालिनी। शालिनी का नंबर दिया उसने? हाँ सर भेजा है, और उसने बताया था कि दिपेन अभी बस 4 महीने पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुआ था, एक लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया था और किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली थी, इसकी वजह से उसका और शालिनी का झगड़ा भी हुआ था और उसी वजह से वो यहाँ आ गया था। क्या नाम बताया उस लड़की का जिसने दिपेन का दिल तोड़ दिया? हीरा। हीरा। सर हो सकता है कल रात ये दिपेन हीरा की शादी रुकवाने के लिए आया हो और हीरा ने उसे ही मार दिया। अच्छा इन वेडिंग कार्ड्स में हीरा नाम के किसी लड़की का कार्ड है? हाँ सर, हीरा वेड्स रोहित। ये देख। ये लो, हीरा वेड्स रोहित, और वो भी शादी आज ही है। जरा इस शादी में जाकर देखो, देखो दुल्हन की मेहंदी का रंग कैसे चढ़ा है। आप लोग सीआईडी से हैं तो कुछ भी मनमानी करेंगे, कानून के नाम पर किसी की शादी के रोकने का अधिकार किसने दिया आपको? जी नहीं, हम यहाँ किसी की शादी रोकने नहीं आए, हम सिर्फ अपनी तहकीकात पूरी करने आए। लेकिन सर ये तहकीकात तो आप मेरी बहन की शादी के बाद भी कर सकते हैं ना? जितनी जल्दी आप लोगों को है ये शादी करवाने की, उससे कहीं ज्यादा जल्दी हमें खूनी को पकड़ने की। लेकिन आखिर खून किसका हुआ? इसे पहचानते हैं आप लोग? ये तो दीपेन है। मतलब पहचानते हैं, कैसे? सर एक्चुअली वो दीपेन मेरी बहन से प्यार करता था, लेकिन कुछ वक्त पहले उन दोनों का रिश्ता टूट गया। मैंने कहा था ना वापिस चलते, लेकिन मेरी सुनता कौन है? देखा आप तो सीआईडी भी आ गए, पता नहीं कौन सी मनहूसगढ़ी थी जब इनके साथ रिश्ता जोड़ा। दीपेन के गर्दन पे हमें कुछ मेहंदी के निशान मिले और हमें शक है कि वो निशान हीरा के हाथों से आए। चलो देख लो पूर्वी।
हीरा उठना जरा। मैम क्या कर रहे हो आप ये? फिलहाल ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये एक सस्पेक्ट है, हमारे शक के दायरे में। हमें शक है कि इसने दीपेन का खून किया है। ये सब क्या चल रहा है? क्या क्या? अपना हाथ दिखा। सर मेहंदी तो बिल्कुल ठीक। अरे तो फिर दीपेन के गले पे जो मेहंदी के निशान थे वो किसके हाथों से थे? कोई भी जरा इनका घूंघट उठाना। सर अमृता, तुम इस मंडप में क्या कर रही हो? मेरी बेटी हीरा कहाँ पर है? बोलो। अमृता, कौन है ये? ये मेरी बेटी की दोस्त है। ओ, मंडप से दुल्हन गायब है और दुल्हन की जगह उसकी सहेली शादी करने वाली थी, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? सर वो दरअसल कल रात। अरे फ्लर्ट कौन कर रहा है यार? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, तारीफ कर रहा हूँ। तुम भी ना बिल्कुल नहीं बदलोगे। यार वो मुसीबत है। अमृता, अमृता सुनो। कार्तिक, क्या हुआ? मैंने अभी दीपेन को देखा, वो इरा को घीचते हुए लेके जा रहा था। दीपेन? हाँ। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ है वो? उस साइड। चलो। कहाँ गए ये दोनों? पता नहीं यार। तो हीरा का फोन है? तो मिले नहीं वो? नहीं सर, वो लोग नहीं मिले। तो दीपेन यहाँ पे आया था और हीरा को जबरदस्ती ले गया, किडनैप करके। सर किडनैप तो नहीं कह सकते, मगर किडनैप नहीं कह सकते मतलब? अमृता, ये एक मर्डर केस है और सीआईडी से कुछ भी छुपाने की कोशिश की ना तुम्हें भारी पड़ सकता है। अमृता, जो कुछ भी जानती हो सच सच बताओ। सब सर सच तो ये है कि इरा ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो तो दीपेन से प्यार करती थी, वो तो सिर्फ घर वालों के दबाव में आकर उसने ये शादी के लिए हाँ कहा। अमृता चुप हो जाओ। मुझे तो पहले से ही पता था ये लोग 420 है। और कौन कौन से राज हैं जो सामने आने बाकी हैं? यही बताएंगे या सीआईडी ब्यूरो की चाय पीने का मूड है? सर वो क्या है कि कुछ टाइम से मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। सुशील जी ने मेरे बिजनेस को स्टेबल करने के लिए मेरी हेल्प की। तो अपनी बेटी की शादी का सौदा किया आपने ताकि अपने डूबते हुए बिजनेस की नाव को पार लगाया जा सके, क्यों? इसीलिए हीरा के गायब हो जाने के बाद उसकी जगह पे अमृता को बिठाया मंडप पे ताकि किसी भी कीमत पे ये शादी ना रुके। वाह। और अमृता तुम इस पूरी साजिश में इतनी आसानी से शामिल हो गई? मुझे ये सब नहीं पता था, मुझे तो कार्तिक ने कहा था कि जब तक हीरा नहीं मिलती मैं यहाँ बैठी रहूं। अब तो फेरे होने वाले थे तो शादी भी कर लेती मुझसे धोखे से। नहीं, मैं मंडप से निकलने ही वाली थी कि तभी सीआईडी यहाँ आ गई और सच सबके सामने आ गया। आधा सच तो सामने आ गया, अब बचा हुआ आधा सच तब सामने आएगा जब ये पता चलेगा कि दीपेन को मारने के बाद ये हीरा कहाँ चली गई। मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाइए सर, वो तो दीपेन से प्यार करती थी, वो क्यों मारेगी उसे? अगर आपकी बेटी निर्दोष है तो घर वापस क्यों नहीं आई? दीपेन की मौत के बाद से लापता क्यों है वो? सर
देखो बॉस, हीरा ने अपने मेहंदी वाले हाथों से दीपेन का गला जरूर पकड़ा होगा, लेकिन दीपेन की मौत हीरा के हाथों से नहीं हुई। तो फिर सर, दीपेन की मौत हुई कैसे? जो इसके गले पर ये जो मेहंदी के निशान है, जब इनको अच्छी तरह से साफ किया गया तो एक और निशान मिला। ये देखो, ये और ये निशान है किसी रस्सी का, इसकी वजह से दीपेन की मौत हुई है। मतलब दीपेन की मौत रस्सी से गला घोटने की वजह से हुई है। लेकिन अगर हीरा ने खून नहीं किया तो फिर हीरा है कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी नुकसान पहुंचा दिया गया? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर हीरा ने खून नहीं किया तो फिर किसने किया? ये खून शायद हीरा के घर वालों में से किसी ने किया है। वैसे तो दीपेन की मौजूदगी से वो लोग खुश नहीं थे। हो सकता है दीपेन की वजह से शादी में रुकावट आ जाए, इसलिए दीपेन का खून कर दिया। सर, सर हीरा के फोन से पता चला है कि उसके गायब होने से 3 घंटे पहले उसे दीपेन की बहन शालिनी का फोन आया था। वो दिल्ली से बॉम्बे तो आ गई है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। शालिनी, शालिनी का फोन ट्रैक करो, देखे तो सही है कहां पर वो रहता है। वो सुनहरा धागा किसका हो सकता है? आप लोग हमें बताएंगे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, और आपने ये मेहंदी के रस्म वाले कपड़े क्यों यहाँ पर मंगवाए हैं? देखिए, हमें कुछ सुनहरे धागे मिले हैं क्राइम सीन पे से, और वो सुनहरे धागे जिसके कपड़ों के साथ मैच हो जाएंगे, खूनी वही है। आप तो हीरा पर शक कर रहे थे, क्या वो शक दूर हो गया? हाँ, फिलहाल तो समझ लीजिए कि शक दूर ही हो गया, क्योंकि दीपेन की मौत रस्सी से गला घोटने की वजह से हुई है, वो मेहंदी वाले हाथ से नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप सबको ऐसा लगता है कि खूनी हम में से कोई एक है? करेक्ट। बस अब ये देखना है कि वो रेशमी धागे किसके कपड़ों से मेल खाते हैं। कमाल है, रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों से आप इतनी बड़ी बात पता करेंगे? पता नहीं वो टुकड़े मैच भी होते हैं कि नहीं। कमाल की बात तो आप कर रहे हैं राजन जी, आपको अचानक बड़ी फिक्र हो रही है। उल्टा आपको खुश होना चाहिए था कि हमने आपकी बेटी के ऊपर इस बार शक नहीं किया। सर, ये सुनहरा धागा राजन के कुर्ते से मैच होता है। सर ये देखिए, धागा यहां से खिंचा हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, उस रात मैंने देखा था दीपेन और हीरा को एक साथ। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता? नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना, और तुम मेरे बिना किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? जब मैं नीचे पहुंचा तो वो दोनों जा चुके थे, और दीपेन का एड्रेस हीरा की पुरानी चिट्ठी से मुझे मिला, और हम उसके घर पहुंच गए। ये क्या, दीपेन यहां पर? हीरा, 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 हीरा बेटा, पापा ये देखिए, दीपेन ने अपने फोन में अपने मरने की वजह लिखी है। क्या लिखा है इसमें? हीरा के बिना मेरी जिंदगी का ना कोई मायना है ना कोई मकसद। हीरा मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी, अलविदा। मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपेन ने मरने से पहले हीरा को कुछ नुकसान पहुंचा दिया? हाँ पंकज, हाँ, दीपेन की बहन शालिनी का मोबाइल फोन ट्रैक हो क्या? लेकिन मोबाइल फोन के हिसाब से तो सुबह आ चुकी थी यहाँ पे, पर हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? धमाका। शालिनी, 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 शालिनी।
निकालने। निकालने। जी संभाल के कौन है वहां? अभिजीत देख ठीक हो दोनों? हाँ सर ठीक है। वो तो अच्छा हुआ सर हम लोग उस जहरीली गैस में ज्यादा देर तक नहीं रहे, पर सर शालिनी और ईरा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। वैसे ठीक क्या वो जहरीली गैस? तो पता नहीं सर, लगता है कोई टाइम्ड स्मोक बॉम्ब था। इस दीपेन ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी सर, आत्महत्या के बाद ये ईरा को भी रास्ते से हटाना चाहता था। हाँ सर, वैसे भी उसने सुसाइड नोट में लिखा था हीरा मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकेगी। सर, हीरा कैसी? सर वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें अभी तक होश नहीं आया। अच्छा, और शालिन? आई एम सॉरी सर, हम उन्हें बचा नहीं पाए। सर, सर इस दिप्पे ने ना सिर्फ अपनी जान ली बल्कि अपनी बहन की मौत का भी जिम्मेदार बन गया। वही तो। हसन के बोल। अच्छा तो ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ सर? सरन के बता रहा था दीपेन ने आत्महत्या नहीं की। या चल ना सारंगे, एक बार फाइनली बता दे दीपेन ने आत्महत्या की है या दीपेन का खून हुआ है। भाई मैं जानता हूं तुम लोग बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो रहे हो, तुम्हें लगता है सालू के एक बात कर ही नहीं रहा। कभी कहता है कि ईरा ने दीपेन की हत्या की है, कभी कहता है कि दीपेन की हत्या ईरा ने नहीं की, कभी कहता है कि दीपेन ने आत्महत्या की है, कभी कहता है कि आत्महत्या नहीं की है। पर मैं क्या करूं भाई, इस केस में सबूत बहुत धीरे धीरे हाथ में लग रहे हैं। अरे सर जो सबूत सामने आए वो तो बताइए ना। देखो बस, जब किसी इंसान को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है तो जब रस्सी खींची जाती है उसकी सांस टूटने लगती है और इंसान सांस लेने के लिए फड़फड़ाता है, उसकी गर्दन हिलती है और गर्दन इसी हिलने डुलने में कस जाती है और उसकी गर्दन के पीछे फांसी के फंदे की गांठ का निशान आ जाता है। हाँ सर, निशान तो है। और सर ये इसकी गर्दन तो पहले से लटकी हुई है, ये क्या चक्कर है? हाँ, इसकी गर्दन लटकी हुई है क्योंकि ये आदमी पहले से ही मरा हुआ है। अब मरे हुए इंसान को अगर फांसी पर लटकाया जाएगा तो वो सांस लेने के लिए तड़पड़ाएगा नहीं और इसीलिए उसकी गर्दन के पीछे गांठ का निशान नहीं आएगा। नहीं, इसके पीछे तो निशान नहीं है क्योंकि गर्दन गांठ के संपर्क में आई ही नहीं। इसमें नई बात क्या बताई तूने? ये हमको मालूम नहीं है। देख सारंग, तू सिर्फ इतना बता, दीपेन की गर्दन के पीछे फांसी के फंदे के नॉट का निशान है या नहीं? दीपेन की गर्दन के पीछे रस्सी की गांठ का निशान नहीं है। आओ मैं दिखाता हूं। ये देखो बॉस, दीपेन की गर्दन पर कोई निशान नहीं है। यानी खूनी हमें गुमराह कर रहा था, पहले से मरे हुए इंसान को लटका दिया ताकि ये सब सुसाइड लगे। बहुत ही लंबी प्लानिंग की है किसी ऐसे आदमी ने जो दीपेन और हीरा दोनों की जान लेना चाहता है। और सुसाइड नोट वो भी उस खूनी ने लिखा है। हाँ सर, दीपेन का सुसाइड नोट खुद दीपेन ने नहीं लिखा है, मैंने उस मैसेज का एनालिसिस करवाया एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट के जरिए। डॉक्टर तारिका, ये लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट क्या होता है? स्टाइलोमेट्री नाम की एक कला होती है,
जैसे कि हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, ठीक उसी तरह से उनके लिखने का स्टाइल, उनका तरीका, वो भी अलग होता है। हर इंसान अलग अलग अंदाज में लिखता है। कोई अक्षरों को बहुत छोटा छोटा लिखता है, कोई अक्षरों को बड़ा बड़ा लिखता है, बीच में काफी गैप होता है, कोई एकदम सीधी लाइन में लिखता है, कोई उबड़ खाबड़ लिखता है, और कुछ लोग हर अक्षर के बाद कॉमा लगाते हैं जैसे फ्रेडी लगाता है। सबका अंदाज बिल्कुल अलग अलग होता है। एक्सपर्ट्स ये भी बता सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स ये भी बता सकते हैं कि टाइप करने वाला एक लड़का है या लड़की। तो क्या तारीख है उस सुसाइड नोट दीपेन ने लिखा है या नहीं? नहीं। तो मैंने दीपेन और ईरा दोनों के फोन चेक किए तो मुझे एक इंसान के बारे में पता चला जिसका लिखने का ढंग एग्जैक्टली उस सुसाइड नोट से मैच होता है। ये है वो मैसेज। इस मैसेज में भी सुसाइड नोट की तरह हर सेंटेंसेस के बीच में 3 डॉट्स लगाए। हर सेंटेंस शॉर्ट और क्रिस्प है और पूरा मैसेज या तो गुड बाय या अलविदा से एंड किया गया है। जिस तरह से वो सुसाइड मैसेज में अलविदा लिखा था, यहां पे गुड बाय लिखा है। अच्छा, तो इसका मतलब है हमें हमारा खूनी मिल गया। दे रहा हूं धमकी, क्या कर लेगा? सीआईडी के सामने किसी को धमकी देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं रुक। अरे 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 ललित जी, कहाँ भाग रहे हो भाई? पहले ये तो बताते जाओ कि दीपेन का खून क्यों किया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को नहीं मारा है। अच्छा, सच बताता है आप? बताता है, मौके पर छोड़ दो नीचे। नहीं, 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 मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा, प्लीज प्लीज मुझे उतारो, उतारो। चल, एक तो तूने दीपेन का खून किया, ऊपर से ये दिखाने की कोशिश की कि उसने आत्महत्या की है। हाँ, इनफैक्ट मैंने ही उसका सुसाइड नोट लिखा था। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये सब मैंने खुद के लिए नहीं, किसी और के कहने पर किया था। किसके कहने पर? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को होश कब आएगा? घबराने की कोई बात नहीं, बहुत जल्दी होश आ जाएगा। ललित, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों लगी हुई है? अब मुजरिम के हाथों में हथकड़ी नहीं होगी तो और क्या होगा? मुजरिम? या मुजरिम, अपना गुनाह कबूल किया है ललित ने, दीपेन को इसी ने मारा है। ललित, ये सब लोग क्या कह रहे हैं और क्यों किया तुमने ऐसा? देखा सर, हैरान होने की कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग। जबकि सच ये है कि ललित को खून करने के लिए कहने वाला असली गुनेगार या इसी कमरे में मौजूद है। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और आप उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, ये कोई जिंदगी और मौत के बीच में नहीं झूल रही है, बल्कि सच और झूठ के बीच में झूल रही है। ये बेहोश नहीं है, सब ड्रामा है। हीरा ही है वो। हीरा ने ललित से कहा दीपेन को मारने के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हालत देखिए इसकी। आप लोगों को लगता है कि ये जानबूझकर जहर के कांटेक्ट में गई होगी? सर, इंजेक्शन लगा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी। ये किस चीज की इंजेक्शन लगा रहे हैं आप? सच बोलने का। इस इंजेक्शन में एक केमिकल है जिसके शरीर में जाते ही इंसान सच बोलने लगता है। नहीं, हटिए, हटिए, हीरा।
रुक जा, इसका मतलब कि सीआईडी वाले सच बोल रहे हैं। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं, ये ललित ने तुम्हारी पोल खोल दी। ये क्या किया ललित, खुद फंस रहे थे इसलिए साथ साथ मुझे भी फंसा दिया। हीरा यही तो कसम खाई थी ना हमने प्यार में कि हम एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर दिया? ये कब हो? हीरा तुम तो दीपेन को चाहती थी। चाहती थी फिर ललित से प्यार करने लगी और ये सब इसने अपनी शादी तोड़ने के लिए किया है। मगर फिर किस्मत से हीरा को शालिनी का कॉल आया कि दीपेन हीरा की शादी रुकवाने के लिए आया है। और फिर हीरा ने बड़ा प्लान बनाया, दीपेन की कंधे पर बंदूक रख के चलाई इसने गोली। और हमने सोचा कि पहले हम दीपेन को मार देंगे। और फिर दूर कहीं जाकर नया संसार बसाएंगे। लेकिन भूल गए तुम कि गुनाह की राह पर मंजिल कभी नहीं मिलती, समझे? हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा था लेकिन पापा और कार्तिक ने आके हमारे किए कराए पे पानी फेर दिया। उन्होंने दीपेन की लाश को ठिकाने लगा दिया और फिर हमें एक नया प्लान बनाना पड़ा। और उस नए प्लान में भी मेरा मरने वाला एंगल था ही। बम का इंतजाम हो गया है। तुमने बम ठीक से चेक किया ना? हाँ हाँ कर लिया, थोड़ी देर में बम फट जाएगा। और लाश का इंतजाम किया? थोड़ा मुश्किल था लेकिन थोड़े पैसे देकर वो लाश भी मिल गई है। बस फिर हो गया काम, मैं लाश को अपने कपड़े पहना दूंगी और जैसे ही बम फटेगा तो सबको लगेगा कि दीपेन के साथ साथ मैं भी मर गई। अच्छा मैं बम चेक कर गया। ओके लिए तुमने शालिनी की भी जान ले ली। तो क्या करते, सब देख लिया था उसने, कोई चारा नहीं था। मगर एक बात समझ में नहीं आई, जहरीली गैस का इस्तेमाल क्यों किया? जहरीली गैस से शक्ल तो नहीं बदल जाती उस मुर्दा घर वाली लाश का? हाँ तो तुमने ये क्यों मान लिया कि हम उसे तुम्हारी लाश समझ लेंगे? हम जहरीली गैस का इस्तेमाल नहीं करने वाले थे, हम उस घर को बॉम्ब से उड़ाने वाले थे। लेकिन ये ललित पता नहीं गलती से कौन सा बॉम्ब लाया जो फटा ही नहीं, खुश हो गया। इससे पहले एक नए बॉम्ब का इस्तेमाल करते हमने आप लोगों की गाड़ी की आने की आवाज सुनी, तब तक प्लान को चेंज करना पड़ा और ये मुझे बांधकर वही चला गया ताकि सबको लगे कि जो मैंने नहीं किया बल्कि मेरे साथ हुआ है। और फिर मैं घर के दूसरे कोने में जाकर छिप गया जहां पर गैस नहीं थी और फिर मैं वहां से जान बचाकर भाग गया। हम चाहते थे कि आप लोगों को लगे कि ये सब किया धरा दीपेन का है, उसने खुद तो आत्महत्या कर ली लेकिन इरा को मारने में नाकामयाब रहा। जिंदगी साथ साथ गुजारने के लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्लान्स बनाए और दो मासूम लोगों की जानें भी ले ली। अब जेल की सलाखों के पीछे साथ साथ प्लान्स बनाते रहना फांसी के फंदे से बचने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।